नालागढ़ के किशनपुरा में स्थित फ्रेजर फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उद्योग में काम करने वाले 4 दर्जन के करीब मजदूरों को कंपनी से बाहर निकाल दिया, जिसके चलते मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया। कंपनी में कुल मिलाकर 150 मजदूर काम करते हैं। मजदूरों ने बताया कि इसकी शिकायत लेबर इंस्पेक्टर को भी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजदूरों ने कहा कि कंपनी जब तक सभी मजदूरों को कंपनी में दोबारा नहीं लेती, तब तक कोई भी मजदूर कंपनी में कार्य नहीं करेगा। फिलहाल कंपनी को बंद कर दिया गया है। मजदूरों की समस्या को देखते हुए जनशक्ति मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने मजदूरों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी मांगों को जल्द हल करवाया जाएगा। इस पूरे मामले पर जब मालिक से फोन पर बात की गई, तो उन्होंने बताया कि कंपनी घाटे में चल रही है, जिस कारण मजदूरों को कंपनी से निकाला गया और निकाले गए मजदूरों को नोटिस भी दिया गया था। क्या बोलती है? समस्या सर यही, इन्होंने 40 बंदों को रिजाइन दिया हुआ और इन्होंने 40 बंदों के साथ हम भी और ये जाएंगे तो हम भी उनके साथ ही जाएंगे। मेरे पास इतना ही है। कितने दिन से मकान छोड़ रखा है? सर पहली तारीख से। तो अब आपकी मांग क्या रहेगी? हमारी मांग यही है कि हम 40 बंदों के साथ हैं, जब उनको रखेंगे तो हम भी काम करेंगे। अगर उनको नहीं रखा जाए तो हम भी उनके साथ ही जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? सर हमारे 40 बंदे हैं, इनको उन्होंने बिना बताए नोटिस दे दिया। काम तो अच्छा चल रहा था, कंपनी में ये बोल रहे हैं कि हम 40 बंदों को बाहर करेंगे। तो हमारा मांग यही है कि हम 40 बंदों को बाहर नहीं जाने देंगे, हम इन्हीं का साथ देंगे, तो हम कंपनी बंद करा देंगे। हमें हमारी मांग यही है। कौन सी कंपनी में आप फूड प्राइवेट लिमिटेड? तो क्या समस्या आप लोगों की? समस्या सर हमारी यही है कि कंपनी हमें हर टाइम तंग करती है और जो हम मांग डिमांड रखते हैं वो पूरी नहीं करती। हर बार में डिटेक्शन में डालती है कि 40 बंदे हैं जी, उनको डिजेजमेंट लेटर दिए गए। इन्होंने पहले 6 को दिया था तो उनको कैंसिल कराया हमारे राजकुमार चौधरी जी ने। उसके बाद फिर 40 बंदे थे, उनको डिजेजमेंट लेटर दिया तो हमारे तो 30 तारीख तक का 3 महीने का लेटर दिया था उन्होंने, वो ख़त्म हो गया। तो 1 तारीख से इन्होंने बोला कि कंपनी है जो काम में दूसरा काम नहीं है कंपनी में। तो सर इन्होंने 40 बंदों को ऐसा बोला कि जितने वर्कर हैं हम सारे वर्कर हैं, 150 वर्कर कंपनी में काम कर रहे हैं जी, उनको बोला कि आप 5 दिन आप घर पर बैठो, 5 दिन आपको घर पर बैठो, काम जब आप 5 दिन बाद काम आ जाएगा फिर हम आपको कंपनी में रख लेंगे, जो कार्य चल पड़ेगा। तो उसके बारे में उन्होंने हमने शिकायत की थी, हमने लेबर कोर्ट में गए थे जी, हम राजकुमार चौधरी के साथ गए थे लेबर कोर्ट में, तो वहाँ पे गया था तो वो जो हमारा 40 बंदों का रिजीवमेंट लेटर था वो तो रद्द कर दिया था उन्होंने। तो उधर जो हमारे कंपनी के जो मालिक है वो नहीं मान रहे, वो रहे 40 बंदे ही निकालूंगा, अगर 40 बंदे नहीं निकले तो मैं जब तक कंपनी चलाऊंगा नहीं, कंपनी ऐसे ही बैठी रहेगी, बाहर बैठे रहोगे। कितने वर्कर हैं इस कंपनी में? 150 वर्कर आई। तो लास्ट मांग आपकी क्या है? लास्ट मांग सर हमारी यही है, अगर वर्कर काम करेंगे तो सारे 150 वर्कर काम करेंगे, जो हमारी डिमांड है वो सारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है जी। बाकी अगर नहीं ये इन्हें करना तो कंपनी बंद करे, हमें कोई नहीं है, हमारा साथ काम करें, हम निकल जाएंगे चुपचाप। वर्करों के अलावा आपकी और भी कोई डिमांड है? हमारी और भी डिमांड है, इंक्रीमेंट नहीं लग रही, बोनस नहीं मिलता टाइम पे, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही यहाँ पे। अब सर यहाँ पे 10 दिन हो गए बैठे हुए, यहाँ पे इन्होंने ठंडा पानी तक नहीं दिया अपने बोर वाला, गर्म पानी दे रहे वर्कर यहाँ पे, चक्कर खा के बंद देख रही यहाँ पे, तो क्या करना जी? मैं महासचिव प्रदेश जनशक्ति मजदूर सभा, फेजर कंपनी का जो आज जिस हिसाब से आज सारे वर्कर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको 1 तारीख को शाम को 5 बजे के भी आप 5 दिनों के लिए भी हमारी फैक्ट्री बंद है, भाई आप सब जान छुट्टी करो या गेट के बाहर बैठो। तो किसी तरीके से हमने गेट खुलवा कर इनको अंदर तो बैठने के लिए जगह दे दी है, पर जैसे प्रबंधों का जो रवैया आज के समय में चल रहा है वो ठीक नहीं है, वो वर्करों की छुट्टी करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं कि किसी तरीके से 50-60 वर्कर जो है बाहर निकाले जाएं, जिसको जो चीज़ हमारे को मंजूर नहीं है, इसके लिए हम संघर्ष इससे ज़्यादा कड़ा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुमार चौधरी, जनशक्ति मजदूर सभा हिमाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। ये समस्या पिछले 3-4 महीने से कंपनी में चल रही है। हमारा जो मांग पत्र है माननीय लेबर कोर्ट में संयुक्त अधिकारी के पास पिछले 3 महीने से अंडर प्रोसीडिंग चल रहा है, उसी दिन से मालिक वर्करों पे धक्काशाही का रवैया अपना रहा है। इससे पहले इन्होंने 7 वर्करों को कंपनी से बाहर किया था, लेकिन उनको हमने दोबारा बहाल करवाया और अभी कंपनी मैनेजमेंट ने ज़बरदस्त तरीके से इनको एक बगैर किसी नोटिस के अल्टीमेटम दे दिया है कि 40 बंदों को कंपनी से बाहर किया जाए। कम से कम 150 वर्कर यहाँ कार्यरत है
और अभी 30 तारीख को इन्होंने बगैर नोटिस से वर्करों को गेट बंद कर दिया और इन्होंने ये शर्त रखी कि 40 बंदे कंपनी से बाहर जाएंगे, बाकी बंदे काम करेंगे। तो वर्कर के अंदर एक डर की भावना है कि आज इन्होंने 40 को निकाल दिया, कल को जो 100 बंदा है उसको भी क्या गारंटी है कि उसको कंपनी में रखें या नहीं रखेंगे। इसलिए वर्करों ने इसका रोष प्रकट किया, इन्होंने हमें कंपनी में बुलाया, अपनी समस्या बताई, हमने मानी है लेबर कोर्ट में और प्रशासन के पास इनकी गुहार लगाई है और ये मामला लेबर कोर्ट में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आप इस बात से सहमत हूँ। आज जो उद्योगपतियों का रवैया है, मनमानी तरीके से ये वर्करों के साथ अन्याय किया जा रहा है। कई फैक्ट्रियों में कंपनी वाले, कई फैक्ट्रियों में वर्करों की कोई अप्रोच नहीं होती, कोई यूनियन वाले उनका साथ नहीं होते, उनको पता नहीं होता, तो वहाँ वर्क मैनेजमेंट की मनमानी चल सकती है। इनकी समस्या तो काफ़ी टाइम से चल रही है। इनकी समस्या यही है कि वर्कर की वर्करों को ये निकाला जा रहा है। ये मालिक का जो कहना है कि हम 100 से नीचे वर्कर रखेंगे। अब वर्कर का मानना है कि अगर काम करना है तो हम सभी करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।